गुड आफ्टरनून किड्स। गुड आफ्टरनून सर। देखो आज हम पढ़ेंगे विमेंस मीनकर बैंक, ठीक है। द मीटिंग ऑफ द मीनकर बैंक है जस्ट बिगन। एक बैंक है जिसका नाम क्या है, मीनकर। वो अभी अभी उसकी मीटिंग क्या हुई है, शुरू हुई है। फाजिला इज द प्रेसिडेंट, और जो वो बैंक है उस बैंक की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, फाजिला। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव्ड रुपीज 25 एवरी मंथ एंड पुट्स इट इन द बैंक। अब वो बोल रहे हैं कि फिशर वुमेन मतलब जो मछली पकड़ने वाली जो औरतें हैं, 20 मछली पकड़ने वाली औरतों ने क्या किया है, एक बैंक अपने आप खोला है, ठीक है। एक तो बैंक होता है जिसमें पैसा जमा करते हैं, वो हमने नहीं खोला हुआ, वो किसने खोल रखा है, सरकार ने, लेकिन ये बैंक इन्होंने अपने आप खोल रखा है। अब उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि ईच सेव्स रुपीज 25 एवरी मंथ एंड पुट्स इट इन द बैंक। अब हर एक फिशर वुमेन, कितनी फिशर वुमेन ने खोला है, वो कितने खोला है, 20। और हर एक फिशर वुमेन उसमें क्या करती है, हर महीने 25-25 रुपए क्या करती है, जमा करती है। तो एक महीने में टोटल कितने रुपए कितने हो जाते होंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हाँ गुणा, किसको किससे, 25 को 20 से, ठीक है। तो 25 दूने 50 और एक जीरो पहले से, तो एक महीने में कितने रुपए इकट्ठा होते हैं उस बैंक में, 500। अब देखो हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, तो कितना आ गया इसका आंसर, 500 रुपए। एक महीने में कितने रुपए इकट्ठा हो रहे हैं उसमें, 500। अब वो बोल रहे हैं कि हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। अब वो बोल रहे हैं कि 10 साल में उस बैंक में कितने पैसे इकट्ठा होंगे, कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालोगे बताओ। एक महीने में तो हो रहे हैं कितने, 500 रुपए, तो एक साल में कितने होंगे, एक साल के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे, 500 से एक साल, एक साल के लिए, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो किससे गुणा कर देंगे, 12। ये तो हो गया कितना, एक साल का, लेकिन हमने कितने साल का निकालना है, 10। तो फिर हम इससे और किससे गुणा करेंगे इसको, 10 से, ठीक है। एक साल का तो हो गया 500 गुणा 12, और 10 साल का हो गया 10 से हमने और इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो 500 को 1200 गुणा करके कितना आएगा, 12 पंजे 60, और दो जीरो यहाँ पहले से हैं, और एक जीरो इसका और आ जाएगा, तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए उसमें, 6,60,000। कितने इकट्ठे हो गए उसमें, 60,000, ठीक है। तो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, तो 10 साल में उसमें कितने इकट्ठे हो जाएंगे पैसे, 60,000। अब देखो ग्रेसी नीड्स मनी टू बाई ए नेट। अब उनमें से एक जो फिशर वुमेन है उसका नाम है ग्रेसी। अब वो क्या करना चाहती है, एक जाल खरीदना चाहती है जिससे कि वो मछलियां क्या कर सके, पकड़ सके। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय ए लॉग बोट। अब झांसी एक और फिशर वुमेन है और उसकी सिस्टर क्या खरीदना चाहती हैं, एक लॉग बोट खरीदना चाहते हैं। सो दे टेक लोन फ्रॉम देयर बैंक, दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बैंक से कुछ लोन लिया है, मतलब कुछ पैसे लिए हैं, लेकिन उसके बदले उनको क्या देना है वहां, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। अभी ब्याज क्या होता है, देखो माना कि मैंने बोला कि भाई मैं आपको 10 रुपये उधार दूंगा, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, जब मुझे पैसे वापस करोगे इसके बदले मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे और दोगे। माना मैंने बोला कि भाई आप एक महीने के लिए मुझसे 10 रुपये ले लो, और उसके बदले मुझे जब महीने के बाद आप पैसे वापस दोगे तो कितने रुपये दोगे, 20 दोगे, या 11 रुपये दोगे, या 12 रुपये दोगे, कितने भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रेसी टुक ए लोन ऑफ 4,000 टू बाई ए नेट। अब ग्रेसी ने कितने रुपये का लोन लिया, 4,000 रुपये का लोन उसने बैंक से लिया। सी पेड बैक रुपीज 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। अब उसने एक साल के लिए लोन लिया ये 4,000 रुपये, मतलब एक साल में उसको 4,000 रुपये क्या करने हैं, वापस करने हैं उस बैंक को वापस, लेकिन उसको हर महीने कितने कितने रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, 345, मतलब ये 4,000 तो लौटाने हैं ही, लेकिन हर महीने 345 रुपये भी क्या करने हैं, बैंक को देने हैं इंटरेस्ट के रूप में। हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक। अब वो बोल रहे हैं कि टोटल वो कितनी मनी बैंक को वापस करेगी। अब देखो एक महीने में वो 345 कर रही, तो एक साल के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा किससे, एक साल का निकालना है हमको, 12 से गुणा, ठीक है। अब देखो 12 पंजे 60, 12 चको 48, और 6 हासिल भी है, कितना होगा, 48 से 6 54, 5 कैरी, 12 तिया 36, और 5 41, ठीक है। तो 4,140 रुपये तो उसने क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, और 4,000 रुपये ये तो लौटा नहीं है। अब ये 4,000 इसमें क्या कर देंगे हम बताओ, जोड़ देंगे, जीरो का जीरो, चार का चार, एक का एक, 4,008, तो कितने रुपए बैंक को लौटा रही है वो,
8,140 रुपए, ठीक हो गया। अब देखो, अब एक फिजर वुमेन और थी जिसका नाम क्या है, झांसी। झांसी एंड हर सिस्टर टेक ए लोन फ्रॉम ₹21,000 टू बाय ए लॉग बोट। अब देखो, झांसी और जो उसकी जो बहन है उसने क्या किया है, कितने रुपए का लोन लिया है उन्होंने, कितने रुपए का लोन लिया उन्होंने, 21,000 का, ठीक है, 21,000 का। दे पेड बैक ए टोटल ऑफ ₹23,520, लेकिन जब उन्होंने पैसे लौटाए बैंक को तो कितने लौटाए, 23,520 रुपए इन वन ईयर, एक साल में। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। अब वो बोल रहे हैं कि इतने तो उसने लिए थे और इतने उन्होंने वापस किए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि हर महीने उन्होंने कितने कितने लोन दिया होगा। अब देखो, इसमें से हम इसको पहले क्या कर देंगे, घटा देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि उसने कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए, ठीक है। घटा दो इसमें से, इसके नीचे लिख लेते हैं 21,000, ठीक है। घटाओ, जीरो का जीरो, टू का टू, फाइव का फाइव, थ्री में से वन गया टू, और टू में से टू गया जीरो। तो इतने पैसे उसने क्या करे, उन बैंक वालों को एक्स्ट्रा दिए, मतलब ये तो उसने लौटा नहीं थे, ये तो उसने लिए थे, और इतने उसने क्या करिए और एक्स्ट्रा दिए एक साल में। अब हमको निकालना है कितना, एक महीने का, तो अब किससे भाग देंगे इसमें, हाँ बताओ बताओ, हाँ 12 का भाग दो इसमें, 12 का भाग देना है किसमें, हमने 2520 में, कितनी मर जाएगा, 12 दूने 24, 5 में 4 गया एक, क्या उतरेगा, जीरो, जीरो का उतरेगा टू, दो 12 कम 12, जीरो उतरा, भाग जाएगा नहीं, यहाँ भी जीरो उतरा, कितने हो गए, 210 रुपए। इसका मतलब एक महीने में कितने पैसे देने हैं उसने बैंक को, 210 रुपए क्या देना है, लोन इंटरेस्ट, ठीक है, क्या देना है उसने, इंटरेस्ट। समझ में आया, यस सर।